हेलो एवरीबॉडी, हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा नाम है एनवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। या दैट्स व्हाट यू वाचिंग, हमारा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। एंड हमारी कुकिंग डायरीज के चलते आज हम बनाएंगे शाही पनीर। दैट्स अनदर वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। Without wasting our time, let's get it. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी पैन में लेंगे थोड़ा सा घी। मैंने ऑलरेडी उसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लिया है, तो अभी हम लेंगे इतना सा घी। आप देख सकते हैं, तो आप इसमें वेजिटेबल भी ले सकते हैं, बट आई एम यूजिंग घी बिकॉज उससे का टेस्ट अच्छा आता है एज कंपेयर टू द वेजिटेबल ऑयल। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी इलायची। उसके बाद हम डालेंगे इसमें इतनी सी शक्कर। तो अभी हम यूजली इसमें दालचीनी डालते हैं, लेकिन मुझे दालचीनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आई डोंट रियली लाइक सिनेमन। तो हम उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, जस्ट इतनी सी। उसके बाद हम डालेंगे हमारे प्याज। यू नो व्हाट गाइस, आज से 1 साल पहले मुझे ना कुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। आई यूज टू बी लाइक, हाउ डू यू कुक ऑल द डे मॉम, लाइक डू यू नॉट गेट बोर्ड, डू यू इवन लाइक इट? एंड अब देखिए, मुझे हर दूसरे दिन आ जाती हूँ मैं चैनल पे एक और रेसिपी लेके। वी कैन गो एम फॉर एम, एफ देन वी कैन गो एम फॉर बी। आई थिंक इट्स सेड इट द रॉन्ग वे। We can go bend for bend. After that, we can go in for in. आपको इसको बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है। तो अभी हमारे प्याज थोड़े से पकने शुरू हो गए हैं, तो टाइम है अभी टमाटर डालने का। लेट्स गो। और इन सब को मैंने इतने बड़े पीसेस में इसलिए रखा है क्योंकि जब हमारा सारे मसाले हमारे पक जाएंगे, उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है, तो यू कैन जस्ट लाइक कीप देम इन बिग पीसेस, यू नो। एंड वी आर आल्सो गोना ऐड हरी मिर्च। आल्सो हमें डालना है इसमें थोड़े से काजू। और उसके साथ हमें डालना है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। वेल दिस इज कन्वीनियंट फॉर मी। सो मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मच। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी हमें इसे धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाना है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसके उबलने के लिए रखेंगे। तो अभी हम इसको ढककर उबलने के लिए रखेंगे। यूजली यू हैव टू कीप इट फॉर लाइक 20-25 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो अभी हमारे प्याज और टमाटर को पकने में 20 मिनट लगेंगे। डू यू वांट टू हियर अ रैप सॉन्ग? आई लर्न्ड अ रैप सॉन्ग लाइक 2 डेज अगो। इट्स सो कूल, यू नो द वन दैट गोस लाइक
How does it go again? What? Oh, the one that goes like, we can go Ben for Ben. Ask that we can go M for M. Come in for the main backtrack. The love of the factory rims. I got the 90s, the years, the version of the rabbit's really a threat. It's get to the point where I don't even care. I got juice in the same that I don't even wear. Thank you. Thank you, thank you. I know I'm good, I know I'm good. But you can't judge me, you know, because it's my channel. You can't just like come to my channel and judge me. I think that's enough. Enough of my rapping skills. Let's get back to cooking. तो अभी हमारा जो प्याज और टमाटर का मिक्स है वो अच्छे से पक चुका है. अभी हम इसको ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे एंड देन वी विल गो फ्रॉम देयर. तो अभी हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे. इट जस्ट इजी टू ग्राइंड द मिक्स इन इन एन लाइक ओपन कंटेनर. आई एम गोना अच्छे से तो हमारी शाही पनीर की जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है यहाँ पे. अभी जिसमें मैंने ग्रेवी बनाई थी लाइक मसाले उबाले थे उसमें ही हम अपने पनीर को थोड़ा सा पकाएंगे. वेल यू डोंट हैव टू डू दिस, दिस इज एन एडिशनल स्टेप, बट आई लाइक टू लाइक फ्राई इट फर्स्ट, सो आई एम गोना डू इट. अब इसी में हम अपनी प्यूरी डालेंगे. तो इसमें अभी हम डालेंगे मसाले. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार. इसके बाद लाल मिर्च एंड देन वी हैव हल्दी. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. तो गाइस ये हो गया हमारा शाही पनीर. अब इसको आप नान के साथ खाइए और रोटी के साथ खाइए, वो आपकी मर्ज़ी. और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी घर पे बना सकते हैं. इट्स सो इजी, जस्ट फॉलो द रेसिपी एंड यू आर गुड टू गो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट.